चुनावी मोड शुरू हो गया। देखिए हमारे माननीय वर्ल्ड के प्रमुख जाने माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर जो 13 कार्यक्रम रखे गए हैं उनके अंदर सिरसा में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र जी चौहान आ रहे हैं, उनके लिए आज हमारे माननीय श्रीनिवास जी हमारे प्रभारी हैं जो जिला के, वो आज हमारे बीच में हैं। अध्यक्ष मोदी आदित्य जी भी हमारे बीच में हैं और भी हमारे कार्यकर्ता साथी हमारे बीच में थे मीटिंग में। उस पर रूपरेखा तैयार की गई है और उसके अंदर जो केंद्रीय मंत्री उनका भव्य स्वागतम किया जाएगा, भव्य रूप उसमें, और हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जो भाजपा के जो लोग थे उनको सबके साथ मिलजुलना एक बातचीत करना ये एक बहुत बड़ी बात है। वो हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ रखेंगे सिरसा के अंदर। उसके बाद आज जो 18 जून को हमारे गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं अमित शाह जी, उनकी रैली के लिए वो चर्चा हुई है लेकिन फाइनल रूप 9 तारीख को दिया जाएगा। लेकिन हम सभी ने मिलकर सब साथ का सबका साथ सबका विकास ऐसे एक साथ सब मिलकर इस रैली को कामयाब करेंगे और ये भव्य रैली हरियाणा की भव्य रैली के रूप में गिनी जाएगी। आज तक इतिहास में इतनी बड़ी कहीं रैली नहीं होगी जितनी बड़ी आज सिरसा के अंदर होने जा रही है। जिन्होंने सिरसा से शुरुआत करने की जो उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया है पूरे हरियाणा का, और यहाँ से शुरुआत होने जा रही है जो चुनावों की, लोकसभा चुनावों की, तो हम उस पे उनको पूरा आभार प्रकट करते हैं उनका और पूरा खरा उतरेंगे कि पूरे साथ सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे कि ये भव्य रैली बने।